भारत सरकार के मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग नई दिल्ली के निर्देश पर महिलाओं के प्रति सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। उसी तारतम्य में आज अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति कसरावद विवेक जैन के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत बाल समुद की मैजमपुर हाई सेकेंडरी स्कूल में महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य पोषण एवं आर्थिक विकास को लेकर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कसरावत न्यायाधीश राकेश भीड़े द्वारा बताया गया कि महिलाओं को सशक्त होने के लिए आर्थिक रूप से भी सक्षम होना पड़ेगा, जिसके लिए महिला सिलाई कढ़ाई एवं ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसाय करके भी अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती हैं। न्यायाधीश राकेश भीड़े द्वारा छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के बारे में भी विस्तार से बताया। कार्यक्रम में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी हरेश सिंह पांडर एवं रंजना चौहान द्वारा गुड टच बैड टच एवं महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध घरेलू हिंसा के बारे में बताया गया एवं पैरा लीगल वॉलंटियर अकील खान द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निशुल्क सहायता सलाह के बारे में जानकारी दी गई। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। यदि आप लोगों को कहीं पर ये पता चलता है कि किसी ऐसी बच्ची का विवाह हो रहा है जो बालिग नहीं है, तो आप महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से उस विवाह को रुकवाएं, क्योंकि ये एक जुर्म है और अगर आप सामने नहीं आना चाहते तो महिला बाल उसका मुख्य उद्देश्य है साक्षर होना। यदि आप विधि के बारे में साक्षर होंगे, यदि आपको अपने अधिकारों का ज्ञान होगा, तो आप पावरफुल हो जाओगे। आज जो व्यक्ति ज्ञान बढ़ता है वो सबसे पावरफुल है, क्योंकि आज जो लड़ाई वो तभी सफल हो पाएगा। बस उम्मीद इस बात की है कि आप भी वो शुरुआत कीजिए और जो पहले से ही किसी व्यवसाय में पारंगत है या जिनका कोई दुकान है, वे महिलाएं अपने जो साथी महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहित कर सकती हैं कि आप भी इस तरीके का जो व्यवसाय है उसको प्रारंभ कर सकते हैं। जो सुधार जिस तरीके से होना चाहिए थे वह नहीं हो पाया और उसी की आवश्यकता को महसूस करते हुए भारतीय संसद ने, सरकार ने वर्ष 2005 में महिलाओं से संरक्षण, महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है उसको संरक्षित करने के लिए घरेलू हिंसाओं से महिलाओं के संरक्षण हेतु तो एक कानून लागू हुई है जो टंटिया मामा के नाम से है। तो महिलाएं जो है वो पुरुष अपना व्यवसाय स्वयं खोलने के लिए लोन मतलब मिलता है ना, इसके लिए तो आप लोग आवेदन दे सकते हैं। उसके लिए आपको पैन कार्ड वगैरह बनवाना होगा। अगर नहीं जाते कहीं कहीं पर जाकर हम इमोशनली घर परिवार के द्वारा रुक जाते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमको हमारे अधिकार पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि रोज में डेली ऐसा है, बच्चे देखकर ऐसा लग रहा है मुझे कि रोज डेली मैं आप लोगों को इस बारे में जरूर बताती हूँ कि बेटा हम लोगों को सभी को मिलकर आगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।